चले वासना कारण वाधे वंद कई भांति अनेक सनंद कई भांति अनेक सनंद। ए वाणी कही मेरे धनी, सतगुरु धनी ने ये वाणी कही है। ये वचन जो जिस वाणी के द्वारा पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड गलने का मतलब सड़ना नहीं है, उसके माया के विकार दूर हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल सकती है। संभावना तो है किंतु उसका कोई लाभ ले, संभावना तो बहुत कुछ होती है, तो कोई व्यक्ति उसका लाभ लेंगे तो वो होगा, उसका उनको लाभ मिलेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मात्माओं के लिए तो कहा है मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत, पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए ब्रह्मात्माएं आई, किंतु किसी को लेना ही ना हो तो वो कैसे चलेगा। सूर्य का प्रकाश तो है तो कोई आंख बंद करके बैठे हैं तो उनको नहीं दिखेगा ना, तो इसी प्रकार से लाभ लेना हो तो उसके लिए एक अवसर है, मौका दिया है तो परमात्मा मौका ही देते हैं, करना व्यक्ति को खुद को पड़ता है। वो सहारा देंगे, करना करने लगेगा तो कर नहीं पा रहा है तो वहाँ उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे। जैसे छोटा बच्चा है तो चलना उसको है तो बार बार उठ करके चलने की कोशिश करता है, गिरता है तो माँ बाप क्या करेंगे, बड़े क्या करेंगे, तो उसको अंगुली पकड़ करके चलाएंगे। लेकिन वो पैर ही मुड़े रखता है तो वो चलने का करता ही नहीं है, तो खड़ा करके उसको खड़ा भी कर देंगे तो भी वो पैर सीधा नहीं करेगा तो तब तक वो उसको चला नहीं सकेंगे। तो चलाने के लिए जिसको चलना है उसको ही प्रयत्न करना पड़ता है, तो दूसरे लोग सहयोग कर सकते हैं। तो दुनिया के हर क्षेत्र में यही बात है, तो किसी को भी प्रयत्न स्वयं को ही करना पड़ता है तो दूसरे के करने से नहीं होगा, दूसरे सब सहयोग करेंगे। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो तब तक कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता अच्छे कार्य। हाँ तो बुराई के लिए तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो साहब अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। तो ये सद्गुरु की वाणी में, पारतम ज्ञान में, परमधाम के ज्ञान में इतनी क्षमता है। तो ऐसी वाणी, ये वाणी कही मेरे धनी, ऐसी वाणी सद्गुरु धनी ने बताई है, कही है। आगे कृपा हो सी घनी, तो भविष्य में तो और कृपा होने वाली है, अभी तो हमें समझा रहे हैं बाकी और भी कार्य होंगे। हर के साथ जाग से ए हर, तो सुंदर साथ हर हर्षित होकर के जागृत होंगे। रह से नहीं कोई संदेह, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा, तो सब लोग प्रसन्न होकर के जाग पाएंगे। साथ को घरों ले जाना सही, तो सुंदर साथ को घर ले जाना आवश्यक है, ले जाना ही है। कोई माया में ना सके रही, कोई भी सुंदर साथ, तो सुंदर साथ का कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्मा है, तो उनको परमधाम जाना ही है किसी भी तरीके से। कोई जाग जाएंगे समय पर
तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी कभी न कभी तो उनको जागना ही होगा, तो दुख पा करके जागें या दुख पाए भी नहीं जागें, तो कोई भी माया में वो नहीं रह सकते, तो उनको तो धाम लौटना ही है। खैचे सबों को ये वाणी, किंतु जो जल्दी ही जागृत होना चाहते हैं तो उनको ये वाणी जगाती है, सपोर्ट करती है, खींचती है अपनी ओर के चलो, तो इतनी अच्छी बात कही है, परम धाम की बात कही है, तो मुझे समझ लेना चाहिए। तो समझ लेंगे तो फिर ऐसी घरों धनी पहचानी, तो धनी की पहचान करेंगे, परम धाम की पहचान करेंगे, और ये मेरे धनी हैं, ये मेरा घर है परम धाम, तो ये ख्याल में आ जाएगा, तो फिर परम धाम को फिर से लौटेंगे, अपने घर को लौटेंगे धाम धनी की पहचान करके। इसीलिए सदगुरु ने पुनः कृपा की, तो ये कार्य अक्षराते धाम धनी ने प्रकट होकर के सदगुरु को सौंपा था। तो जगाने का कार्य ये सदगुरु को सौंपा है। तो सदगुरु का तात्पर्य तो श्यामा जी है, तो सदगुरु बनकर जग में आई श्यामा जी महारानी रे, तो सदगुरु बनकर के श्यामा जी आई है, तो श्यामा जी को आगे किया जगाने के लिए कि चलो तुम जगाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूं। भी वाही चर्चा ने वाही बान, जैसे पहले, या भी का मतलब जैसे भी बोलते हैं इस ये भी वो भी, तो भी का अर्थ वो पुनः ऐसा कहते हैं दोबारा भी, तो वही चर्चा ने वही वाण, वही चर्चा और वही वाणी। तो पहले तो सदगुरु अपना शरीर जैसा जो शरीर उन्होंने धारण किया था, तो उसके माध्यम से भी वो वही बात समझा रहे थे। अभी शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने इस शरीर के अंदर आकर के कहना चालू कर दिया, तो वही चर्चा और वही वाणी अभी आरंभ हो गई है। वचन कहते जो परवान, तो जो कुछ वचन कहते थे तो वही वचन वही उसी प्रकार से, तो परवान का अर्थ प्रमाण भी होता है, तो उसी प्रकार से वो यहाँ पर ये कह सकते हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं, तो इसका प्रमाण तो उसके लिए सोच जो कहते हैं कि मुझे तो कहाँ कुछ मालूम था, कुछ भी तो मालूम नहीं था। सतगुरु अंदर बैठे तो उन्होंने ये सब कुछ दिखाया है। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी सतगुरु के प्रति उनके उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं उसके लिए बार बार उनकी स्तुति करते हैं। ब्रजरास श्री धाम के सुख, तो ब्रज के सुख, रास के सुख और परम धाम के सुख, तो ये सारे सुख सतगुरु बता रहे हैं, तो सारी बातें समझा रहे हैं। साथ को कहते जो श्री मुख, तो सुंदर साथ को अपने मुखारविंद से कहते हैं, तो जैसे वो पहले कहते थे अभी भी वही की वही बात मेरे द्वारा कहला रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य। पख 25 वर्णवे जेह, तो जो 25 पक्ष जिस प्रकार पहले उन्होंने वर्णन किया समझाया, भी सुख बल्लभ देवे एह, तो वही सुख तो अब भी दे रहे हैं और भविष्य में वो देने वाले हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी को सदगुरु ने बहुत कुछ समझाया था, ये सारी बातें इस प्रकार से कहनी है, तो ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, ये सारी बातें समझाई थी। किंतु सदगुरु अचानक चले गए,
तो श्री प्राणनाथ जी की सारी आशाएं टूट गई थी। सदगुरु तो इतना कुछ बोल रहे थे, पता नहीं ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो हम सदगुरु की बात समझ नहीं पाए। उनके मन में तो ऐसी बातें चलती ही रहती थी। तो जब उनको लगा कि सदगुरु हृदय में बैठ गए हैं, तब उनको सारी बातें ख्याल आने लगी कि अरे सदगुरु ये कह रहे थे तो उसका तो ये तात्पर्य था, इसके लिए वो बता रहे थे, ऐसा उनको सारा का सारा ख्याल आने लगा। तो अंतर्धान समय ज्यों भये, तो अंतर्धान के समय जैसी परिस्थिति थी, शास्त्री जी उधर वो कैमरा है आपके पीछे, हाँ, अंतर्धान समय ज्यों भये, भी आए वचन पिया सोई कहे। तो अंतर्धान के समय, तो इसमें यहाँ पर दोनों बातें हम जोड़ सकते हैं। एक तो सदगुरु अंतर्धान हुए तो समय भी वो कहते कहते ही गए, तो शाम तक तो उन्होंने, रात तक तो कुछ न कुछ समझाया ही था और रात को अचानक चले गए। तो अब दोबारा आकर के भी आए वचन पिया सोई कहे, फिर दोबारा आकर के वही बात समझा रहे हैं, एक ये बात होगी। तो दूसरी बात आगे, यहाँ वैसे यही बात सही है, आगे ये समझाना चाहते हैं। तो जैसे रास लीला के समय पर, इस जागरणी लीला से पूर्व की लीला में रास लीला के समय पर लीला करते करते श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते हैं, तो फिर तो दोबारा प्रकट होते हैं, फिर वही लीला वही आनंद। तो बीच में जो अंतर्धान के समय विरह हुआ वो सारा का सारा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, तो सब कुछ भूल गए। तो इसी प्रकार सदगुरु कि अभी आकर के कह रहे हैं तो वो विरह की बातें सारे के सारे तो ये भी मिट जाएगी, तो उस बात को यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। पहले फेरे हुआ है ज्यों, तो पहले के समय में, तो प्रथम अवतरण में, पहले रासलीला में जैसा हुआ भी इत पिया ने किया है त्यों, तो यहाँ भी तो सदगुरु ने वही कार्य किया। तो रास के समय पर जैसे अंतर्धान हो गए, विरह की वेदना असह्य थी, तो समय भी जो विरह का अनुभव कर रही थी आत्माएं बोल ही नहीं पा रही थी, तो कुछ आत्माएं वो समझा रही थी। तो जिन आत्माओं ने उसी समय दुख सुख सब अनुभव कर लिया, तो उन आत्माओं के लिए ये था कि उस समय प्राण ही छूट जाते हैं, वो कुछ उनका तो शरीर कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो उसमें जो ब्रह्मात्माएं एक एक को उठा रही थी, अरे उठो, तो उनको भरोसा दिला रही थी, तो वो भी है तो राज्य की लीला, तो उन आत्माओं को, तो उनको ही दुख सुख का उतना अनुभव नहीं हो पाया था, तो उनके लिए फिर तो ये पुनः लीला करनी पड़ी। तो पहले भी विरह हुआ, दुख हुआ, उसके बाद में फिर तो दोबारा आए, तो उन्होंने फिर सबको आनंदित कर दिया। जिनको दुख था, तकलीफ हुई, उनको कुछ भी याद नहीं रहा कि हमें कोई तकलीफ हो गई थी, तो ऐसा आनंदित कर दिया। तो अभी भी तो सदगुरु ने प्रकट होकर के हृदय में आकर के वही कार्य किया है। सोई पिया और सोई दिन, तो सदगुरु वही हैं और समय भी वही है, कार्य वैसे ही हैं।
तो ये समझा रहे हैं। तो दिन और वो घड़ी की बात नहीं है यहाँ पर, तो वही बात, वही ज्ञान, वही चर्चा तो सब कहला रहे हैं। देखो तारतम के वचन, तो तारतम ज्ञान के इन वचनों को देखो, इस रहस्य को समझो। तो सतगुरु वही बात पहले कह रहे थे, जैसे कह रहे थे अभी भी वही बात कह रहे हैं। सोई घड़ी और सोई पल, तो अब यहाँ क्या समझा रहे हैं, तो जैसे परमधाम की दृष्टि से देखें तो माया देखा तो कितना समय बीता, तो परमधाम की दृष्टि में कोई समय बीता ही नहीं है। तो जो आवाज़ गूंज रही थी, जो ध्वनि वहाँ परस्पर वार्तालाप की, तो ये गूंज रही है, इतने में दुनिया को देख करके, दुनिया की लीला देख करके ब्रह्मात्माएं जागृत भी होंगी। तो इस प्रकार से ये समझाया का, तो इसका अर्थ ये हुआ तो कोई ज्यादा समय तो हुआ ही नहीं है। तो वही घड़ी वही पल है, किंतु माया जब आवरण रूप बन जाती है तो माया प्रभावित कर देती है, तो उस समय वर्षों बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, दुख कष्ट ये सब जो परिवर्तन दिख रहा है इतना लंबा समय, ये माया के कारण है। तो वैसे देखा जाए तो वही घड़ी और वही पल है। मायाएं बीच डारिया बल, तो माया ने बीच में व्यवधान डाल दिया, तो माया ने अपनी शक्ति डाल दी। माया तो बल का मतलब बल, तो अपने उसके उसमें क्या बोलेंगे कि माया ने अपने हथकंडे अपनाए, दाव पेच जो भी माया ने अपने हथकंडे अपनाए, तो उसके हिसाब से हम सब कुछ भूल करके बैठे। बाकी परमधाम की दृष्टि से देखो तो वही घड़ी वही पल है, कोई ज्यादा समय बीता नहीं है। साथ को छिन न्यारे ना करे, तो अक्षराती धामधनी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे अपनी ब्रह्म आत्माओं को एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करते। तो ब्रह्म आत्माओं को उन्होंने दूर तो भेजा ही नहीं है। बिन साथ कहो पाओ ना धरे, तो सुंदर साथ मतलब ब्रह्म आत्माओं के बिना वो कहीं इधर उधर जाते भी नहीं है, उनको छोड़ करके स्वयं भी जाते नहीं है और उनको भी कहीं नहीं भेजते, कहने का तात्पर्य है। तो ऐसे भी देखो तो परमधाम में तो कहीं भी ले जाते हैं तो अक्षराती ब्राह्मणी ले जा करके तो सबको अलग अलग अनुभव करवाते हैं। तो कभी पाट के घाट की लीला हो या कुछ कुछ लीलाओं का ही तो वर्णन हुआ है, बाकी तो हमें ये इतनी लीलाएं होती है उन सब का वर्णन थोड़ा ही है। तो जहाँ का भी वर्णन किया तो उन सब स्थानों पर पूरे परमधाम में अक्षराती धन्य कहीं भी लेके जाते हैं और उनको आनंदित करते हैं, तो उनको अकेले भेजते नहीं है। तो ठीक है, तो ब्रह्मात्माएं जाकर के कुछ न कुछ लेकर के आती, ये लीलाएं हैं, तो उनके शौक के हिसाब से जाएंगे, किंतु राज्य उनको अपने से दूर करके भेजते नहीं हैं और उनको छोड़ करके भी जाते नहीं हैं। तो इसलिए जैसे माया का खेल देखने का मन हुआ, इच्छा व्यक्त की, तो अक्षरातीत धनी ने उनको क्या किया, दूसरे खेलों की तरह से, दूसरी लीलाओं की तरह से नहीं किया। जैसे कुंज निकुंज वन में जाते हैं तो कहीं छिप जाते हैं, वो लीला के हिसाब से है, तो वो लीला के लिए है, कहीं वैसे छिपते हों, कहीं वो उनको दूर भेजते हों, ऐसा नहीं है। तो उनको आनंदित करने के लिए, तो उस समय को छिपने का कोई बिरहा और ये सब कुछ होता नहीं है। तो परमधाम में तो इस प्रकार की बात ही नहीं है, तो दुनिया में है, तो बिरहा विलास ये दुनिया में, परमधाम तो विलास ही विलास की भूमि है, तो विरह की भूमि है नहीं। तो दुनिया में देखते हैं तो कई स्थानों पर विरह भी किया है,
ब्रज लीला में तो इतना नहीं है, तो रास में विरह का, फिर जागरणी लीला में भी सतगुरु का वियोग होता है तो ये विरह होता है, तो ये सब क्या है? तो इसके लिए कहती है तो एक क्षण की भी बात नहीं है। तो जैसे रासलीला के पश्चात ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण जी को पूछा, आप तो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता हूँ, आप तो कहाँ के कहाँ चले गए? तो कई दिनों तक तो ब्रजलीला में भी तो मिलना जुलना बंद किया था, और रास के समय पर फिर आप कहाँ के कहाँ चले गए? हम आपके पास में आई, आपने बंसी बजा करके हमें बुलाया, और फिर तो हमें उल्टी सीधी बात समझाने लगे। तो ये कहाँ आपने दुख नहीं दिया? दुख तो दिया ही। तो उस समय बड़े मर्म की बात समझाते हैं, देखो तुम्हारा वियोग तो जैसे मेरे कमर में बंसी ऐसे डाली हुई हो, उनके वो कमरबंद में, तो वहाँ से निकाल करके बंसी बजाने में कितनी देर लगती है? तो इतना समय भी ऐसा नहीं हुआ, ये तो तुम्हें मालूम नहीं है। तो इसलिए वो विरह में तो इतना इतना ज़्यादा लगता है, तो ये माया में इतना ज़्यादा दिखता है, यथार्थ में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो बातें हर किसी को समझने में दिक्कत होती है, तो वहां भी ये बात समझाइए। इसलिए कहते हैं बेर ना हुई एक अदछिन, किया मायाएं बिछोहा घन। तो माया ने ही तो ये वियोग कर दिया, लंबा चौड़ा समय दिखा दिया, तो ये माया का है। तो उसके लिए यहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, मार्कंड माया दृष्टांत। तो मार्कंडेय का वो माया का दृष्टांत है, ये समझने जैसा है। तो मार्कंडेय ने क्या किया था? तो भगवान नारायण से माया मांगी कि आप अपने माया हमें दिखा दीजिए। तो भगवान ने पहले तो बोला कि देखो ये माया देखने जैसी नहीं है, तुम जब तप में लगे हुए हो वही ठीक है। फिर भी उनको लगा कि मेरा इतना प्रेम है, इतनी मेरी श्रद्धा है, और मैं इतना नियमित जीवन जीता हूँ, तो फिर क्यों उसके वो माया क्या प्रभावित करेगी मुझे, ऐसा उनके मन में हुआ। तो भगवान नारायण ने फिर विचार किया कि चलो इनको माया दिखा देते हैं। तो उन्होंने इसलिए मांगा, मांगी धनी पे कर के खांत, उन्होंने अपने धनी से, तो धनी कहने से अक्षरातीत का ही बोध होता है ऐसा नहीं है, राज कहने से अक्षरातीत का ही बोध होता है ऐसा नहीं है, तो राज का अर्थ भी धनी है, तो स्वामी है, मालिक है। तो लक्ष्मी जी किसको राज बोलेगी? भगवान विष्णु को, अपने धनी को बोलेगी ना। तो ब्रह्मात्माएं किसको बोलेंगी? हाँ, अक्षरातीत को बोलेंगी। तो जो आत्माएं जहाँ की होंगी, जिनके जो धनी होंगे, उनको वो धनी बोलेगी। तो इसलिए यहाँ पर प्राणनाथ जी ने ये प्रयोग किया कि मार्कंडेय ने भी अपने धनी से मांगा। तो अब धनी कहने से तो अक्षरातीत हो जाते हैं। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकशो प्रकटिया परवान। तो धनी तो अक्षरातीत के लिए कहते हैं, तो दुनिया के तो दुनिया के तो ये तो दुनिया वाले तो प्रभु बोलते हैं, तो प्रभु भी वही अर्थ प्रकट करता है, और धनी शब्द भी वही अर्थ प्रकट करता है, राज शब्द भी वही अर्थ प्रकट करता है। इसलिए कृष्ण कहने से भगवान विष्णु समझ में आते हैं, तो उनको ही समझ में आएंगे कि जिनको भगवान विष्णु की ही समझ है। तो राज कहने से अक्षरातीत समझ में आएंगे कि ऐसा नहीं है, जिनको भगवान विष्णु की समझ है, राज कहने से भी वो भगवान विष्णु ही समझेंगे। तो जिनको अक्षरातीत की समझ है
वो कृष्ण कहने से भी अक्षरातीति समझेंगे और राज कहने से भी अक्षरातीति समझेंगे, प्रभु कहने से भी वो अक्षरातीत को ही समझेंगे और धनी कहने से भी अक्षरातीत को ही समझेंगे। ये तो क्या है कि अज्ञानता के कारण किसी के ऊपर प्रभावित करने के हिसाब से लोगों ने अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए इस तरह से खींचातान किया। तो वास्तव में इसमें कोई यथार्थ नहीं है। तो कोई भी किसी को ये ऐसा नहीं है ऐसा है बोल करके जोर जोर दे करके समझाता हो तो उसमें कुछ न कुछ उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। यदि स्वार्थ न हो तो फिर किसी को कोई मिसगाइड नहीं करता है। तो मिसगाइड करने का तात्पर्य ही वहाँ पर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसलिए कई लोग श्री प्राणनाथ जी की वाणी इन्हीं चौपाइयों को खींचा तान करके अर्थ करते हैं तो वो अपना प्रभाव दूसरों पर डालने के लिए कर रहे हैं। यथार्थ में तो वो सही वस्तु समझाने के लिए नहीं है। ये शब्दों की खिंचातानी मारामारी तो ऐसा वो दुनिया के हिसाब से वो अहंकार के हिसाब से होता है। तो बाकी अब देखो धनी कहने से अब यहाँ मार्कंडेय ने भी अपने धनी से मांगा तो मार्कंडेय ने यदि धनी शब्द का अर्थ अक्षरातीत होता तो मार्कंडेय ने अक्षरातीत से मांगा तो उनको तो अक्षरातीत का ख्याल ही नहीं था तो उन्होंने अपने धनी से मांगा। किन से? भगवान नारायण से। तो भगवान विष्णु भगवान नारायण उनको कई स्थानों पर एक ही रूप में माना है इसलिए भगवान विष्णु से माना मांगा हो या भगवान नारायण से मांगा तो उन्होंने अपने धनी से मांगा तो उन्होंने अपने प्रभु से मांगा। इसलिए वो धनी मेरा प्रभु विश्व का ऐसा नहीं है। तो जो विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं वही तो मेरे धनी हैं कहने का तात्पर्य यह है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, जो प्रभु का अर्थ होता है समर्थ स्वामी। तो प्रभु शब्द संस्कृत का है उसका अर्थ होता है स्वामी। किंतु कैसा स्वामी? बड़ा समर्थ। तो समर्थ स्वामी होगा तो ही तो कुछ कर पाएगा ना। तो विश्व के मालिक हैं तो वो समर्थ हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं तो वो समर्थ हैं, वही तो उस वही तो मेरे धनी हैं। तो विश्व ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वही मेरे स्वामी हैं। तो किसी को ख्याल नहीं है तो किसी ने किसी को स्वामी मान दिया तो कुछ आत्माओं ने कुछ ने देवी देवताओं को स्वामी मान दिया होगा। अब उनको मालूम नहीं इसलिए ऐसा करते हैं। किसी ने अवतारों को स्वामी मान दिया होगा, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वामी माना होगा, किसी ने भगवान नारायण को स्वामी माना होगा, किसी ने अक्षर ब्रह्म को स्वामी माना होगा तो वो मान सकते हैं। जिनको जितनी समझ है तो उसी प्रकार से मान सकते हैं। सोतेता ही बोलिया गया जहाँ लो चल, वो उतना ही बताएंगे जहाँ तक उनकी पहुँच होती है। जितनी समझ है उसी के हिसाब से मानेंगे। तो हमें भी जो समझ होगी तो हम उसी हिसाब से मानेंगे। किंतु जब तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है तो फिर समझ क्या होनी चाहिए? तो विश्व ब्रह्मांड के एक ही स्वामी हैं तो स्वामित्व तो एक ही के पास में, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो सबके स्वामी हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके स्वामी वही हैं, वही मेरे भी स्वामी हैं, ऐसा वहां पर कह रहे हैं धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो उसमें देखो माया को वृतांत, तो वृतांत वृतांत के लिए ऐसा है, वृतांत का अपभ्रंश वृतांत। देखो माया का वृतांत, माया का विवरण को तो देखो। ए दूर होए तो पाइए शांत, यदि माया हमसे दूर होगी तो ही हमें शांति का अनुभव होगा। और माया का प्रभाव होगा तो शांति नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ? तो मार्कंडेय ऋषि ने माया मांगी,
तो मांगते ही वो तो कहां के कहां पहुंच गए। ततखिन कंपमान सो भयो, तो उसी समय वो कांपने लगे, डरने लगे। माया मिने भील के गयो, तो माया में भीलना मतलब एकाकार हो जाना, उसमें मिल जाना, भीलना का मतलब। वो माया ने ऐसे प्रभावित कर दिया, उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। जैसे जैसे वो माया कहते गई वैसे के वैसे करते गए। तो कोई किसी के ऊपर में ज़्यादा ही किसी को प्रभावित करते हैं तो फिर उनको कुछ पता नहीं चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जैसे बोलते रहेंगे तो वैसे करते रहते हैं। तो माया ने भी जैसा जैसा कहा मार्कंडेय ऋषि ने वैसे वैसे किया। तो श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है। तो मार्कंडेय ऋषि पूजा पाठ करके पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे बैठे थे, तो पूजा की तैयारी कर ही रहे थे, तो ऐसे में तो भगवान ने उनको माया दिखाना चाहा। तो वो कुछ कर रहे होंगे, पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे में उनको लगा कि वो अपने आप को भूल गए। तो उस समय तो वहाँ कहाँ से वो नदी के किनारे में होंगे, तो वहाँ समुद्र दिखने लगा। तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें दिखने लग गई, तो सारा आकाश में भी बादल वगैरह बिल्कुल भयंकर दिखने लग गए। तो ऐसे में देखते देखते समुद्र की लहरें उनको आकर के वहाँ खींच करके ले जाती है। तो वो बेचारे फिर डरने लग जाते, अब क्या होगा मेरा क्या होगा। तो स्वप्न देखते हैं तो भी स्वप्न में भी कोई भयावह दृश्य दिखता है, तो ऐसे होता है। तो उनको लगा अब मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। तो ऐसे में कहाँ उनको कहीं उसमें टापू जैसा दिखा, वहाँ बड़ का बहुत बड़ा वृक्ष दिखा। तो उसके तरफ वो सोचने लगे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो शायद बच जाऊँ। तो उधर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ तो पानी में तो बड़ का पत्ता है, तो बड़ा तो उसमें एक छोटा सा बालक दिखा। तो देख ही रहे थे, इतने में तो बालक सांस लेता है तो वो अंदर चले जाते हैं। तो पहले जिस रूप में वो थे, तो सारा का सारा उनको लगता है कि अरे वो पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही श्वास बाहर निकालता है बालक, तो फिर वो लहरों में थपेड़े खा रहे हैं। तो ऐसा उनको देखने लगा कि बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ही क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से कहाँ बड़ा बड़ी लहर आई और उनको उठा करके कहाँ फेंक दिया। तो उनको लगा कि नदी में बाहर आए। तो फिर किसी व्यक्ति को उन्होंने देखा नदी में, नदी के किनारे, तो वो कपड़ा धो रहा था। तो उसको उन्होंने आवाज़ लगाई, चिल्लाई। तो ऐसे में उनको लगा कि वो तो स्त्री बने हुए हैं, उनको को कुछ पता ही नहीं है कि मैं ऋषि हूँ। तो एक स्त्री बाहर आई, उनको यही ख्याल हो रहा है। तो वो उसको निकालता है, फिर उसके साथ में घर गृहस्थी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो उनको रात दिन यही घर का टंटा इधर उधर वही सब दिखता है। तो ऐसे में फिर तो भगवान नारायण तो एक संत का रूप बना करके आते हैं। तो आकर के फिर उनको समझाना चाहते हैं, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर भी तो उनको अरे कुछ तो सुनो। तो जैसे तैसे फुसला करके उनको कुछ सुनाया। तो सुनाने में तो ऐसे ही बताया कि ऐसे एक ऋषि थे, तो इस तरह से उन्होंने माया मांगी और वो भगवान ने माया दिखाई। तो वो कहाँ के कहाँ ऐसे समुद्र में बह गए, फिर बहते हुए कहीं जा रहे थे कि धोबी ने उनको पकड़ा। फिर वो स्त्री बने, तो धोबी के साथ में उनकी उनका संबंध हुआ। तो अभी तो बाल बच्चे इधर उधर, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये जब सुना, अरे ये तो मेरा है। तो इतना जैसे ही उनको ख्याल आया, तो उसी समय तो वहाँ के वहाँ जैसे तैयारी कर रहे थे वही के वही
तो उसी में वो पहुंच गए तो जागृत होने पर। तो इतना देखने में समय कहाँ लगा, तो माया की दृष्टि से इतना समय लगा तो उसमें तो कई वर्ष बीत गए होंगे। तो यथार्थ में तो जो वो जागते हैं तो पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो चंदन घिस रहे थे। तो चंदन घिस रहे होंगे तो घिसना चालू ही था, तो ऐसे इधर से उधर तो इतना हाथ ऐसे वो लकड़ी पत्थर में घिस रहे होंगे तो इससे इतना और उतना वो उतना भी उतनी देर में इनको ये सारा दिखा। तो मार्कंडेय का ये दृष्टांत इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि ब्रह्मा आत्माएं भी इसी तरह से माया देखती है। राज्य के चरणों में बैठे बैठे तो राज्य को देखती हुई जैसे आंखें जरा सा पलक झुकती है तो दुनिया देखती है, दुनिया को देखती है तो इसमें हजारों वर्ष बीत जाते, फिर आंख खुलती है तो राज्य दिखाई देंगे। तो ये बात समझा रहे हैं। तो मार्कंडेय के लिए क्या हुआ, कल्पांत 786 युग, 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए। कियो मायाए वेशुद एते लग, तो माया ने इतने दिनों तक उनको बेशुद बनाया। तो माया की दृष्टि में 7 कल्प और 86 युग, ये तो कितना लंबा समय होता है, इतना समय माया में उनका बीता। तो ये जब माया देख रहे थे इतना समय बीता हो ऐसा लगा। कछुए ना भई खबर, तो उनको कुछ भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ और ये क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चला। वो जैसे जैसे उनको वो कहाँ थपेड़े में जा रहे हैं तो उसमें वही रो रहा है कि मैं बह रहा हूँ, फिर तो श्वास में अंदर जाना बाहर निकलना फिर वो स्त्री बनना, तो उनको कुछ पता ही नहीं मैं पहले दूसरा था फिर अभी स्त्री बन गया, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे स्त्री बने तो स्त्री लगा, तो जैसे बच्चे होते हैं तो ये हमारे ही है सारा, ऐसा ही लगने लगा। अति दुख पायो ऋषिश्वर, तो ऋषिश्वर ने बड़ा दुख पाया। जब तक माया देखते रहे तब तक दुख हुआ, और माया देखना बंद हुआ तो जैसे थे वैसे के वैसे। तब नारायण जी की वो प्रवेश, तो नारायण जी ने तो प्रवेश करके दिखाई माया लवलेश, तो ये ऐसे माया दिखाई, तो उन जैसे उनकी इच्छा थी उस प्रकार से दिखा दी। फिरी सूरत आए नारायण, जब उनकी सुरता फिरी तो फिर भगवान नारायण उनके मिले, तो याद आवते गए निशान, तब उनको पता चला करे ये सब दिखा दिया तो उनको ख्याल आया। तो याद आया स्वरूप बैठा जाए, तो जैसे भगवान नारायण ने तो संत के वेश में आ जाकर के उनको समझाया ये ऐसा ऐसा हुआ था, ये ऐसा हो गया, तो जैसे ही उनको ख्याल आ गया ये तो मेरा ही है, तो बैठा आया स्वरूप बैठा जाए, तो जैसे उनको अपने स्वरूप का ख्याल आ गया तो जहाँ बैठे थे वहीं के वहीं दिखने लगे। तब उड़ गई माया जानो हती नाहे, तो उस समय माया कहाँ के कहाँ चली गई, मानो कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, किंतु ये अनुभव उनको ये सारा दिखा रहा है। बाकी तो जैसा कर रहे थे वैसे का वैसे कुछ था ही नहीं, तो ऐसा लगता है इतना समय बीत गया तो ये सब उनको ख्याल आया। जाग देखे तो सोई ताल, तो हम भी यदि जागृत होंगे तो हमें लगेगा वही घड़ी है। बीच मायाएं कियो ऐसो हाल, तो मायाएं ने तो इस बीच हमारा भी ऐसा हाल बना दिया। बाकी तो
जैसे मार्कंडेय का दृष्टांत है, इसी प्रकार ब्रह्मात्माओं का दृष्टांत है। ब्रह्मात्माओं का के साथ में भी ऐसी ही बात बनी है, तो इसलिए यहाँ पर माया का परिचय दे रहे हैं। माया की तो यह सनंद, तो माया का तो यह सनंद का अर्थ प्रमाण भी होता है। और अब यहाँ पर ये हमें समझना पड़ेगा, माया के तो लक्षण ही ये है, माया है तो उसका प्रमाण क्या, तो इस तरह का कार्य करती है। तो माया को तो संस्कृत में मा या, तो या का अर्थ होता है जो, मा नहीं, तो जो दिख रहा है वैसा नहीं है। तो माया की व्याख्या करते हुए कहा, असद अर्थ प्रकाशिनी माया, असद अर्थ को दिखाने वाली है वो माया है, जो सही है उसको नहीं दिखाएगी। तो सही को भूल जाते हैं और जो सही नहीं है वो दिखने लग जाता है, तो माया का ये प्रभाव होता है। तो माया के ये लक्षण हैं, निर्मल नेत्रे होइए अंध, दृष्टि बिल्कुल निर्मल हो, पूरी तरह से काम करती हो, फिर भी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। अब ये बड़ा विचारणीय है, तो माया के प्रभाव से सब कुछ सही होते हुए भी तो अंधे हो जाते हैं। तो इसके लिए एक स्थान पर कहा है, शास्त्र जल निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही, तो शास्त्रों के जल से निर्मल होने के बाद में भी, तो जैसे आँख में कुछ दवा डाला हो तो आँख में का इधर उधर कचरा सब निकल जाता है, तो ऐसा लगता है कि देखने में बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो ना, स्पष्ट दृष्टि दिख रहा हो, ऐसा लगता, क्लियर विजन लगता। तो शास्त्र के अध्ययन होने के बाद में तो दृष्टि इस प्रकार से निर्मल हो जाती है, फिर भी तो माया का जब प्रभाव पड़ता है तो शास्त्र जल निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयाति, तो बुद्धि है फिर कब वो उसमें कालिमा छा जाती है पता ही नहीं चलता है, सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है, सारी समझदारी कहाँ चली जाती है, आदमी कहाँ से कहाँ क्या से क्या कर बैठता है, तो ये माया का प्रभाव है। इसलिए कई बार ये होता है कि लोग बड़े अच्छे और सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो जरा सा कहीं चुक जाते हैं तो माया से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बुद्धि कहाँ से कहाँ बदल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है, तो लगता है कि ये व्यक्ति वही था पहले था, तो बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है, ये माया का प्रभाव है। तो इसलिए कि हमें हमेशा राज्य के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। और इसमें भी मैं तो साथ में इस संदर्भ को थोड़ा सा और जोड़ूंगा, तो जैसे अभी देखिए हम एक इसकी इसका उदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर देश में भारत में अलग अलग प्रकार के नेता लोग हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, किंतु जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, यदि वो कहीं भी थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो क्या होगा, तो पूरे देश में असर होगा, पूरी दुनिया में उसका असर होगा। तो उसके साथ में उनकी टीम भी यदि गलती करती है तो उसका भी बड़ा असर होगा। तो बाकी जो कोई भी कहीं कोने में पड़े हुए हैं तो उसमें कहीं का कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, कोई किसी को मार देता है, कहीं कुछ छल कपट है, इधर उधर कुछ भी करते रहेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो विशेष स्थान पर पहुंचे हुए होते हैं
और जो शीर्षस्थ उसमें स्थान में बैठे हुए हैं और उनके साथ जो लोग होंगे तो उनको दोनों को सही होना पड़ेगा, जो शीर्षस्थ स्थान में बैठे हुए हैं उनको भी सही करना पड़ेगा और उनके साथ वाले लोगों को भी, तो सही रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। तो नहीं होगा तो फिर बात बहुत बिगड़ जाती है। तो इसी प्रकार हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम नौतनपुरी धाम में हैं, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो नौतनपुरी धाम में हैं तो ये नौतनपुरी धाम इसी प्रकार से संप्रदाय में शीर्षस्थ स्थान है। तो यहाँ हम बैठे हैं तो हमारा रहन सहन चाल चलन हमारा व्यवहार हमारी वाणी वो सही होनी चाहिए। तो दूसरी जगह पर कोई कुछ भी करता होगा तो वहाँ उसने ये कर दिया, वो तो ऐसा कर रहा है और फिर भी चल रहा है, तो हम तो थोड़ी सी भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। तो गलत कार्य यदि कोई भी करते हैं तो वो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं भी गलत कार्य करने लग जाऊँगा तो कहाँ से कहाँ फेंका जाऊँगा उसमें कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें सही तरीके से ही चलना होगा। तो माया का प्रभाव जब पड़ेगा तो क्या होता है, तो वो समझदारी कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो ये कहने का उदाहरण मुझे देने का इसलिए ज़रूरत पड़ा कि हमें क्यों सही ढंग से रहना चाहिए। तो स्थानीय ऐसा है तो यहाँ पर सही ढंग से ही रहना होगा। तो गलत कार्य कुछ भी करने लग जाएंगे तो उसकी कुछ सीमा होती है। जब यहाँ धर्म के लिए नुकसान पहुँचता होगा, धाम के लिए नुकसान पहुँचता होगा, तो कहाँ से कहाँ फेंके जाएंगे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो राज्य अपने आप ही कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो ये स्थिति होती है। तो दूसरे स्थानों पर दूसरी जगह पर कोई लोग कुछ भी करते होंगे तो वहाँ हो सकता है चले, लेकिन ये स्थान इस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ सही तरीके से ही रहना होगा। तो हम सही, हमारी बुद्धि भी सब कुछ ठीक है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु उस पर माया का जैसे ही प्रभाव पड़ेगा तो उस समय ये कब बदल जाती है पता नहीं चलता। इसलिए भजन भक्ति करते रहना चाहिए, सोच अच्छी रखनी होती है, राज्य के प्रति पूरा विश्वास रख करके चलना होगा और राज्य के अनुकूल होकर के चलना होगा, तो ही हम टिक सकेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये बड़ी मार्मिक चौपाई है। तो माया के लक्षण कैसे हैं, तो निर्मल नेत्र हो ये अंधा दृष्टि, निर्मल होने पर भी कब अंधापा आ जाता है पता ही नहीं चलेगा। ता कारण कियो प्रकाश, इसलिए ये प्रकाश तारतम ज्ञान का रहस्य समझाने की जरूरत पड़ी। तारतम ज्ञान का प्रकाश, तो ये प्रकाश ग्रंथ परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, तो उन सब लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए, रास के रहस्य को समझाने के लिए, तो ये तारतम ज्ञान का प्रकाश है। तारतम को जो उजास, तो तारतम का जो उजाला, तो ये इसलिए करना पड़ा। तो तारतम ज्ञान से समझ में आ जाएगी फिर तो हम सही तरीके से चल पाएंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे ये आता है वो आता है। तो जैसे ही अहंकार आ गया तो हम कहाँ से कहाँ फेंके जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान सोए लेके आए धनी, तब ये सोए का वह अर्थ भी होगा, सोए ऐसा करेंगे तो सतगुरु धनी वही ज्ञान, यह जो अभी बताया जा रहा है वही ज्ञान लेकर के आए हैं। दया आपन ऊपर है घनी, तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी है। जाने देखसी माया न्यारे भये, तारतम ज्ञान को समझ जाएंगे तो क्या होगा,
जाने देख सी माया न्यारे भय। तो माया भी देख लेंगे किंतु माया में लिप्त हो करके नहीं, अलिप्त हो करके देखेंगे, दृष्टा बन करके देखेंगे। ये स्थिति आएगी, ये आ सकती है, तो हमें वो स्थिति लानी है। तो हम दृष्टा बन करके देखें, देखने वाले बन करके देखें, तो उसमें लिप्त ना हो। तारतम के उजियारे रहे, तो तारतम के प्रकाश में बने रहेंगे, अहंकार की ओट में नहीं चले जाएंगे। तो उस समय तो हम तारतम के प्रकाश में माया भी देख लेंगे, माया के खेल भी देख लेंगे, और हम भी उसमें अलिप्त हो जाएंगे। जैसे ही वो क्या बोलते हैं, अहंकार के ओट में आ गए, तो फिर हम उस प्रवाह में चले गए। तो जैसे रास के समय पर तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, तो कृष्ण जी कहाँ गए थे? तो थे तो कहीं भी नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, अरे तुम्हारे और हमारे बीच में एक वृक्ष आ गया था, तो वो वृक्ष तो अहंकार। तो ये अहंकार कहीं आ जाता है तो उस समय फिर तो हम अहंकार की उसमें छाए में रहेंगे, आश्रय में, तो उस समय फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमें तारतम ज्ञान के प्रकाश में रह करके ये सब देखना होगा। भले तारतम कियो प्रकाश, तो अब यहाँ भले ये गुजराती में प्रयुक्त होता है, भले पधारिया। तो भले पधारिया मतलब आप आए, ये बड़ा अच्छा हुआ। तो ये तो स्वागतम के लिए प्रयुक्त होता है, भले पधारिया तो स्वागतम। तो कहने का तात्पर्य है आप आए, बड़ा अच्छा हुआ, सुआगतम, आपका आगमन अच्छा है, अच्छा हुआ। तो भले तारतम कियो प्रकाश, तो बड़ा अच्छा हुआ कि ये तारतम ज्ञान का प्रकाश इस तरह से कर दिया, प्रकाशित कर दिया। देखाया माया में अखंड विलास, तो तारतम ज्ञान के प्रकाश में रहेंगे तो माया के अंदर रहते हुए भी अखंड विलास, अखंड सुख, अखंड विलास को हम देख पाएंगे। तारतम वचन उजाला करिया, तो तारतम के वचन से तो उजाला किया, तो सब कुछ चारों तरफ प्रकाश प्रकाश कर दिया, प्रकाश फैला दिया। दूजा देह माया में धरया, तो दूजा देह माया में धरया, तो तारतम ज्ञान के प्रकाश जैसे ये तो दुष्ट, इसमें हम सतगुरु के लिए बोलेंगे, तो सतगुरु ने तो यहाँ आकर के तारतम ज्ञान का प्रकाशित कर, तारतम ज्ञान को प्रकाशित किया, सब कुछ समझाया, और माया में तो हमें अखंड ज्ञान दिखा, ज्ञान दे करके परमधाम की लीला भी दिखाई, ब्रज की रास की सब लीलाएं भी दिखा दी। और ये दूसरी बार माया में शरीर धारण करके भी सतगुरु ने तारतम ज्ञान के द्वारा ऐसा प्रकाश फैला दिया। तो ये इतना सुंदर कार्य सतगुरु ने हम लोगों के लिए किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूजा देह माया में धरया, तो ये अब आगे का प्रकरण है। तो इसमें साखी और चाल, तो साखी तो उसमें वो ये भाषा के हिसाब से तो साखी दोहे छंद ऐसे अलग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग छंद में तो समझाया है। तो ये प्रकरण का नाम दिया है विनती। तो इसमें दो प्रकार की विनती है, विनती का तो पता चला ना पहले, प्रार्थना स्तुति विनती। तो ये विनती और प्रार्थना एक ही बात है, मिलती जुलती ही बात है। तो विनती और प्रार्थना, तो विनती में बहुत मामूली फर्क जैसा दिखेगा, तो बाकी विनती में थोड़ा सा ये होता है कि बहुत विनम्रता से
हम कुछ मांग रहे हैं तो नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रार्थना में थोड़ा सा ज़्यादा आग्रह रखते ही नहीं तो देना ही पड़ेगा, इस प्रकार का भाव रखते हो तो वो होता है। तो ये विनय से विनती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ के लिए भी विनती कर रहे हैं, अरे आप ऐसा करना हाँ, और राज्य के लिए भी विनती कर रहे हैं, सदगुरु के लिए भी विनती कर रहे हैं। विनती एक सुनो मेरे प्यारे, तो यहाँ पर हे सतगुरु धनी आप मेरी विनती सुने, ये भी होगा। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी आप मेरी विनती सुने, तो सुंदर साथ के लिए भी कहो पीयू जी बात। तब यहाँ पर तो सतगुरु के लिए कहेंगे तो हे पीयू जी मैं कुछ बात आपको कह रही हूँ। तब सुंदर साथ के लिए विनती कर रहे हो तो कि मैं पीयू जी की बात करने जा रही हूँ। आए प्रकटे फेरा कर, तो सतगुरु धनी फिर कर दोबारा लौट कर, तो आए प्रकटे प्रकट हुए हैं मेरे दिल में आकर के बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे, करी कृपा देख अपन्यात, तो उन्होंने हमारे ऊपर करी कृपा की, तो देख अपन्यात हमें अपने समझ करके, हमें अपने समझ करके उन्होंने अपनाया, तो हमें स्वीकार किया। तो धनिनी जेम धनीवट लीदी भली पेरे सार, तो ये धनीवट जैसा, तो उन्होंने स्वामीपन तो हमें स्वीकार कर लिया, इसलिए तो वो कृपा कर रहे हैं ना, तो ये भाव बता रहे हैं। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, श्री देवचंद्र जी सतगुरु हमारे लिए नींद तुम्हारे हृदय धरी, तो यहाँ कह रहे हैं कि हृदय में ये निधि परमधाम की निधि हृदय में लेकर के वो हमारे बीच आए। वचन पालने आपना, तो हमारे वचनों को पालने के लिए, अथवा तो दूसरी बात ये होगी अपने वचनों का पालन करने के लिए। तो सतगुरु बार बार क्या कहते थे, देखो तो तुम्हें तो जागना ही पड़ेगा, हाँ तो मुझे तो शरीर छोड़ने के बाद में भी दोबारा आकर के भी तुम्हें जगाना पड़ेगा, मैं तो परमधाम जाकर के भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इस प्रकार से सदगुरु कहा करते थे। तो शरीर छोड़ने के बाद में भी वो दोबारा आए, कहने का तात्पर्य अपने वचनों का पालन करने के लिए वो आए हैं। साथ सकल पर दया करी, साफ सुंदर साथ के ऊपर उन्होंने कृपा कर दी, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद में तो कौन आकर के क्यों करेंगे भाई, तो शरीर हो तब तक दुनिया की बात रहेगी, शरीर छूटा तो सब संबंध छूट गए, फिर भी तो यहाँ पर सतगुरु कृपा कर रहे हैं। तो ये कृपा सतगुरु के अंदर बैठे हुए अक्षरातीत धनी की है, वो सतगुरु के द्वारा ये सारा कार्य करवा रहे हैं। तो सतगुरु नहीं चाहते थे ऐसा नहीं है, तो सतगुरु तो धनी के प्रति समर्पित थे, उनको तो कुछ ऐसा था नहीं, जो राज्य कहेंगे वो कार्य करते हैं। तो राज्य ने जो कार्य सौंपा उनको उसको उन्होंने अपना मान लिया और तो वही करते गए। जन्म अंधे जो हम हते, हम तो जन्म से ही अंधे थे, तो जन्म से ही अंधे थे, मतलब जब हमारा जन्म दुनिया में हुआ तो तब हम अंधे ही थे, तो माया की ओर दृष्टि पड़ी तब से अंधेरा छा गया, अंधापा आ गया। तो कहने का तात्पर्य है सो तुम देखी ते किए, तो हे सतगुरु आपने हमें ज्ञान दे करके हमारी दृष्टि खोल दी, हमें देखने वाले बना दिया, हमें दृष्टा बना दिया, हमारी दृष्टि खोल दी।
पीठ पकड़ हम ना सके, हम तो आपके पीछे पीछे भी चल ना सके। पीठ पकड़ने का तात्पर्य यह है कि हम पीछे पीछे भी आपके चल नहीं सके, आपकी पीठ भी नहीं पकड़ सके, तो आपको आपका अनुसरण हम ना कर सके। फिर भी आपने किया किया सो फिर कर पकड़ लिए, तो आपने तो फिर हमारा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, तो हमारे तो हम तो आपके पीछे पीछे आपको फॉलो भी नहीं कर सके, फिर भी आपने हमारे हाथ पकड़ करके हमें साथ में रखा। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो सद्गुरु ऐसा कार्य करते हैं तो हम तो उनके पीछे चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो जैसे तैसे हैं हमारा हाथ पकड़ करके भी वो साथ में रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। देखो प्राणनाथ जी सद्गुरु के लिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और फिर लोग बोल देते हैं सद्गुरु में तो कोई शक्ति थी नहीं और उनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो अब जब प्राणनाथ जी ये बता रहे हैं इतना, तो अब प्राणनाथ जी को पता नहीं था या हमें पता नहीं था? हमें पता नहीं है तो हम अगर ऐसी बात सोचते हो तो हमें पता नहीं, या तो फिर हमें बोलना पड़ेगा प्राणनाथ जी को पता नहीं था ऐसे बोल दिया। जो लोग फालतू बात करेंगे तो आप बोलते रहते हो ना, हाँ ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसा करते हैं, ऐसे चौपाइयों का अनर्थ करते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी चौपाइयाँ बता देनी चाहिए। तो प्राणनाथ जी कहते हम तो सदगुरु के पीछे पीछे भी नहीं चल सके, तो इसलिए कहते हैं बात सुंदर भाई और है, और ही उनका रवेश गतमत उनका, और है उनकी गति मति सब अलग ही है, हम लिया उनका भेष, हमने तो उनका अनुकरण ही किया है, तो उनकी तो बात ही अलग है। इस तरह से कह रहे तो हम उनके पीठ भी नहीं पकड़ सके, उनके पीछे नहीं चल सके, फिर भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके हमें साथ में रखा। अब जो कछु हम में, अब हमारे अंदर जो भी कुछ हो थोड़ा बहुत, होशी मूल अंकुर, हमारे अंदर मूल का अंकुर थोड़ा कुछ भी होगा, तो जो नींद उड़ाए तुम नींद दई, नींद उड़ा करके तो आपने हमें निधि दी, परमधाम की संपत्ति दी, सो क्यों छोड़ो पिया नूर, अब पिया के नूर को मैं क्यों छोड़ूं। हमारे अंदर यदि थोड़ी भी समझदारी होगी तो सद्गुरु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है तो हम उस कृपा को कैसे छोड़ेंगे, उससे विमुख हो जाएंगे, वो जो कह रहे हैं हम उसके आधार पर चलेंगे। कि यदि हमारे में कुछ समझदारी होगी और हम में कोई परम धाम का अंकुर होगा तो सद्गुरु ने हमें नींद में से जगा करके हमें परम धाम की संपत्ति दी है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकेंगे। पहले तो हम ना पहचाने, तो पहले तो हमने पहचाना नहीं, सो सालता है मन, तो मन में वो बात अभी भी खटक रही है, चुभ रही है। चर्चा कर कर समझाए सतगुरु, चर्चा कर करके हमें समझाया, अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे करके समझाया। कहे विद विद के वचन, अलग अलग प्रकार के दृष्टांत दे करके, अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों की बातें लेकर के उन्होंने समझाया, तो हम उस बात को समझ नहीं सके। अब हमें समझना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। चलिए एक ही चौपाई पूरी कर देते हैं, फिर आपकी संख्या भी पूरी हो जाएगी। ऐसे अनेक वचन कहे हमको, तो सतगुरु ने ऐसे अनेक वचन हम लोगों को कहा करके समझाए।
जिन्हें एक वचने पहचाने तुमको। ऐसे अनेक वचन समझाए, फिर भी उनमें से एक वचन से भी थोड़े से भी हम समझ सकते थे, लेकिन हमें एक वचन को भी हम नहीं समझ पाए कि जिनका अर्थ मत होता है। इस तरीके से भी तो उन, अब जिनका मतलब जो लगा दें, तो उन एक वचन से भी हम आपको नहीं पहचान सके। सद्गुरु के लिए यह कह रहे हैं ना, तुम दये पहचान बिदक बिदक कर, तो आपने हमें तरह तरह से पहचान करवाई, पर निरोध बैठा हृदय पकड़, किंतु ये निरोध बैठा हृदय पकड़, तो ये व्यवधान बन करके क्या बैठा, मन ऐसा व्यवधान ही बन करके बैठा, तो हृदय तक ये बात पहुंचाने ही नहीं दिया उसको, हृदय को ढक करके मन ऐसा बैठ गया। तो मन तो विकारों से भरा हुआ होता है, तो मन ये अवरोधक, निरोध का मतलब अवरोधक बन गया, व्यवधान रूप बन करके मन बैठ गया, तो उसने हृदय तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो इसलिए हम, आपने जितना कुछ समझाया वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तो ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं। तो हृदय तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो हृदय तक पहुंचेगा तो सब ख्याल आ जाएगा। इसलिए कहते हैं तोलोना साधे दिल, तो जब तक दिल की साधना नहीं होगी तो तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तोलोना पियो पाइए जोलोना साधे दिल, तो जब तक दिल तक बात नहीं पहुंचेगी तो तब तक प्राप्ति नहीं होगी। तो दिल तक पहुंचना जरूरी है, तो दिल तक पहुंचने में रोकने वाला कौन है, मन है। तो वो निरोध बन करके, व्यवधान बन करके बैठा हुआ है, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो मन को सही रास्ते पर लगाना जरूरी होता है। तो मन तो ऐसा ही बोलता है ना, तो सुबह जल्दी उठे, नहीं उठना चाहिए, आरती में जाने के लिए भी कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे तो चलेगा, तो भोजन के लिए नहीं बोलता है, तो भोजन के लिए तो जाओ जाओ जल्दी जल्दी करके भोजन कर लो, वो बोलेगा हाँ ठीक है ना। तो सोने के लिए भी बोलता है सो जाओ आराम करो, कुछ अच्छा करने हो, कुछ सेवाएं करने हो तो मन नहीं बोलेगा जाओ सेवा करो, तो उसमें आगे हो करके करना, तो नहीं बोलेगा। तो ऐसा क्यों, तो मन अशुद्ध होता है तो गलत रास्ता दिखाता है, तो यही मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर सही रास्ता दिखाने लग जाएगा, ऐसा है। तो चलो आज के प्रसंग को यही रखते हैं, सो कह दो रही पर निरोध बैठा हृदय पकर, ऐसे अनेक वचन कहे हमको, ऐसे अनेक वचन कहे हमको, जिन एक वचने पहचाने तुमको, जिन एक वचने पहचाने तुमको, तुम दई पहचान विद विद कर, तुम दई पहचान विद विद कर, श्री स्वाड़ कृष्ण मणि जी महाराज की।